नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंसी आईएएस में। जेपीएससी प्रीलिम्स में पेपर टू, जिसमें कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए द सीएनटी एक्ट, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपको तैयार करना पड़ता है। जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर टू के लिए एक स्पेशल सीरीज ये आप बनेगा और जिसमें आपको झारखंड स्पेसिफिक जितने भी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट हैं उसके क्लासेस की जाएगी और शो दैट यू गाइस इन ए पोजीशन कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उसके पहले ना कुछ बेसिक्स बातें कि जो इसके फंडामेंटल्स क्लासेस हैं झारखंड की, जैसे कि जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो आपको अलग एक्सपर्ट क्लासेस लेंगे। स्कीम्स के लिए एक वीडियो तैयार है जो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। उसी तरह से जो सीएनटी, एसपीटी और अदर लैंड रिलेटेड लॉज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चे हमसे क्वेश्चन हमेशा पूछते थे कि सर आप झारखंड के क्लासेस लीजिए, तो झारखंड के क्लासेस के तहत उनके डिमांड्स को रखते हुए ये जेपीएससी में कुछ कंसेप्चुअल एरियाज हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, लाइक कुछ सीएनटी, एसपीटी जो लैंड रिलेटेड लॉज हैं उसके क्लासेस आज की शुरुआत हो रही है। यू इट इज द वन ऑफ द राइट दैट यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट लॉज सो दैट योर लैंड, योर प्रॉपर्टी वुड बी सिक्योर्ड। तो आखिर इस लॉ का लेजिस्लेशन कैसे हुआ? सभी को पता है कि इस छोटे सी एन टी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और ये एक्ट कब बना? 1908 में बना। सो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, इट इज द कंप्लीट नेम। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इस लॉ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर झारखंड के लैंड के साथ यह क्या स्थिति बना कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट उसी तरह से संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाना पड़ा? तो ये जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट से आपका सॉलिसिट शुरुआत होगा, आपके कंसेप्ट बनेंगे और फिर जितने भी सीएनटी एक्ट में जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट इज वाई, क्योंकि इस पोर्शंस का एक सिग्निफिकेंट वेटेज है, इसको हम लोगों ने एक मेटिकुलस वे में दो पार्ट में तैयार किया है। पहले सेक्शंस में कुछ पार्ट्स में आपके वीडियो जाएंगे, चैप्टर्स वाइज वीडियो जाएगा, सेक्शंस वाइज वीडियो जाएगा, उसके बाद आपके डेली इवनिंग में आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, सो दैट यू वुड हैव ए बेटर रिविजन एज वेल एज बेटर पर्सपेक्टिव टू गो विद दिस टॉपिक, राइट। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की शुरुआत करते हैं और उसके पहले थोड़ा सिचुएशन विजुअलाइज करेंगे कि आखिर ये झारखंड में सिचुएशन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी और शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों नहीं इसका लेजिस्लेशन करा। जैसे कि जब हम लोग ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश झारखंड की धरती पर पहली बार कब एंटर किए थे, ये किसी को पता है? कमेंट करें ना। इट इज द 1769, 1769। तो 1769 पे ब्रिटिश जो है वो, इट इज द डेट द 1769 जब झारखंड की धरती पे सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स आए ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर इतने दिनों तक कैसे चला, कभी ये सोचे हैं आप कि वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्टेन फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम के अराउंड दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर्स के बाद जो दीवानी राइट्स मिल गया इसको, उसके बाद ये कंपनी जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ऑलमोस्ट 1947 तक चला। तो कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम इतने दिनों तक चलता है उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या रीजन होता है ना, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप होता है, पहला पॉइंट, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जर्नी को देखेंगे और चूंकि 1769 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड की धरती पर आती है और सीएनटी एक्ट कब बनता है, 1908 हो जाके बनता है। तो आखिर इतना टाइम क्यों लगा और इस टाइम पीरियड में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूरन, यू कैन कॉल इट इज द डिमांड ऑफ द टाइम दैट दे कम आउट विद दिस लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट दैट इज कॉल्ड सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। तो थोड़ा इसको बैकअप से शुरू करते बच्चे, सो दैट कि आपका एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बनेगा और जब अंडरस्टैंडिंग बनेगा तो चीजें समझने में याद होगी, है ना, फंडामेंटल्स जानना जरूरी है। तो सीएनटी एक्ट के पहले थोड़ा हम लोग एक थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जो आप मॉडर्न में भी पढ़े होंगे कि दैट दो इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े गए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का, दैट इज पारामाउंट सी, मतलब जब कौन रूल करेगा इस इंडिया पे, उसकी लड़ाई चल रही थी, उसकी बात चल रही थी। तो एक इंपॉर्टेंट बैटल का डेट क्या है ना, 1757,
सभी को बताइए कि 1757 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, सो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था कब? दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। और 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, विजयी हुआ, उसके बाद क्या हुआ ना, 1764 में एक और लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम क्या है, द बैटल ऑफ बक्सर। सो जब बैटल ऑफ बक्सर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ पॉलिटिकल पावर की तरह राइज होगा, क्योंकि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर देयर वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुआ था? इट इज 1765। तो 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। क्या मैंने बोला कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीता, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीता, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया। तो जब दीवानी राइट्स मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से अब ग्रो करेगी? एक पॉलिटिकल पावर की तरह ग्रो करेगी। किस तरह का पावर? पॉलिटिकल पावर, और साथ ही साथ एक टेरिटोरियल पावर की तरह ग्रो करेगी। तो पहले दीवानी राइट्स किस जगह का मिला था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। तो दीवानी राइट्स का क्या मतलब होता है बच्चे? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शंस का राइट किसको मिल गया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी राइट्स मिला तो इन्होंने टेरिटोरियल एक्सटेंड शुरू किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, इसको ब्रिटिश पैरामाउंटसी पॉलिसी बोलते हैं, सो वी डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, है ना, तीन चार पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव रेड इन द मॉडर्न क्लासेस। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी है, जो पैरामाउंटसी की पॉलिसी है, तो सभी को पता है कि सबसे पहले क्या बनाते थे? द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, राइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले टेरिटोरियल पावर की तरफ बढ़ी, तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। सेकेंड स्टेज में क्या था? द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। थर्ड इज पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। तीन स्टेज पॉलिसी है, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सेकेंड द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, एंड थर्ड इज द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना टेरिटोरियल एक्सटेंड करी और बाद में जाके एक पैरामाउंट पावर की तरह बन गया, कि मतलब इंडिया में हेजेमोनिक पावर कौन बन गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या क्या पॉलिसी का नाम था? द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, दूसरा द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, तीसरा द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? 1765 को। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत क्या मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को? दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट्स का क्या मतलब होता है, ये याद रखेंगे ना, दीवानी राइट्स का मतलब होता है द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट्स दिस दीवानी राइट्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स। सो दीवानी राइट्स का क्या मतलब होता है? द सिविल जस्टिस एंड द रेवेन्यू कलेक्शन। दीवानी राइट्स का मतलब सिविल जस्टिस एंड रेवेन्यू कलेक्शंस। ये दोनों राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट बन गई, द पॉलिटिकल पावर की तरह राइज होगा। उसी बीच हम लोग क्या देखते हैं कि दैट 1769 को दैट ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे झारखंड पे एंटर करती है। तो जब 65 के बाद 69 में एंटर करी, अब एंटर जब करी तो ब्रिटिश के पूरे सिस्टम को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ब्रिटिश ने सबसे पहला रिफॉर्म्स क्या किया ना, ब्रिटिश ब्रॉड द रेवेन्यू रिफॉर्म्स, दैट इज टैक्स रिफॉर्म। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस पुलिस स्टेट। क्या वो वेलफेयर स्टेट पे बेस्ड थी? नो, इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पुलिस स्टेट। सो पुलिस स्टेट किसकी बात करता है? द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वेलफेयर वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव। सो उसी तरह से उनकी पॉलिसीज होगी। तो 69 में ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर दिस सिस्टम, लेकिन यहां देखा कि यहां पर कुछ नेटिव रूलर्स हैं। कौन कौन से? झारखंड के मैप को आप ध्यान रखेंगे, घर पे दो चार बार देखेंगे कि कुछ नेटिव रूलर्स का रूल है, जैसे कि छोटनागपुर रीजन को क्या बोला जाता था उस समय? द खुखरा प्रदेश, द छोटनागपुर रीजन, इट वॉज नोन एज खुखरा प्रदेश। और इसमें जो खुखरा किंग मतलब हेड ऑफ मुंडा ट्राइब्स, ठीक, जब झारखंड को आप पढ़ें तो झारखंड के में तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम्स की बात याद करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा झारखंड है, राइट। सो इन दिस झारखंड तीन इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, ट्रिक इज आरएनएस।
जब डायनेस्टीज की बात करेंगे, सो दैट आरएनएस, राइट? सो दिस इज योर पलामू रीजन। पलामू रीजन पे किसका, कौन सा डायनेस्टी का रूल था? रक्सल का, ठीक। जब हम लोग नागवंशी, एंड से नागवंशी है तो इसका छोटे नागपुर रीजन हमें देखने को मिलता है, एंड सिंह जो सिंहभूम रीजन है उसमें सिंह डायनेस्टी, सिंह दियोस डायनेस्टी का रूल मिलता है, ठीक। सो वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, दैट इज योर आरएनएस, द रक्षल डायनेस्टी, नागवंशी डायनेस्टी एंड सिंह डायनेस्टी। तीन इंपॉर्टेंट रीजन है, पलामू रीजन, देन छोटे नागपुर रीजन, देन सिंहभूम रीजन। ये आप लोग को जानते भी होंगे, राइट? तो हमने क्या देखा कि जो छोटे नागपुर रीजन है, वो छोटे नागपुर रीजन में जिसको खुखरा प्रदेश बोलते हैं, खुखरा किंग उसको बुलाया जाता है, हेड ऑफ द मुंडा, और यहां पर पढ़ा सिस्टम के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चलती है और चल रही है। सो दिस वॉज द ब्रिटिश वन एंटर्ड द फाउंड। सो उन्होंने देखा कि ये जो ट्राइबल सिस्टम्स हैं, ये अपने कुछ ऑटोनोमस रूल्स, अपने कस्टम्स, ये कुछ ऑटोनोमस रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिस ही क्या है? फिक्स्ड रेवेन्यू। सो इस रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करने के लिए ब्रिटिश ने रिफॉर्म्स करे। क्या क्या रिफॉर्म्स करे ना, टैक्स रिजीम क्रिएट करना शुरू किया। क्या क्रिएट करना शुरू करेगा? टैक्स रिजीम, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब किसी भी जगह जाती थी तो सबसे पहला काम क्या करती थी? रेवेन्यू रिफॉर्म्स, क्योंकि फिक्स रेवेन्यू चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस नेचर का स्टेट था? पुलिस स्टेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि झारखंड में भी यही काम करना शुरू किया होगा कि दे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉट द रिफॉर्म्स इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म, क्योंकि उनको क्या क्रिएट करना था? टैक्स रिजीम क्रिएट करना था। लेकिन यहां पर नेटिव रूलर्स थे, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर बात करी कि जो नेटिव रूलर्स में छोटे नागपुर रीजन है उसमें खुखरा किंग उसमें शासन करते थे। तो खुखरा किंग ऑटोनोमस तरीके से शासन करते थे, क्योंकि इनका कस्टम है, उनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, डेवलप हुआ। तो 1787 में क्या हुआ ना, 1787 डेट याद रखेंगे, 1787 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। किसके बीच में? ना खुखरा किंग के बीच में और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कौन सा डेट याद रखेंगे? इट वॉज 1787 के खुखरा किंग और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। व्हाट वाज द एग्रीमेंट? कि दैट खुखरा प्रदेश के जो किंग है, दे अपने कस्टम के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशनल कस्टम के अकॉर्डिंग ही विल कंटिन्यू टू रूल, प्रोवाइडेड उनको एक फिक्स्ड जो रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। और यदि ईस्ट इंडिया कंपनी, माने जो खुखरा किंग है, दैट छोटे नागपुर किंग, यदि फेल होते हैं टैक्स रेवेन्यू पे करने से, सो द जो प्रॉपर्टी है उसको किसी भी पार्ट को सेल किया जा सकता है और ब्रिटिश उसके साथ सेलेबल, माने उनको बेचा जा सकता है, मॉर्गेज बनाया जा सकता है। सिंपल टर्म्स में 1787 देयर वाज एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंग ऑफ खुखरा दैट इन केस ऑफ फेल्यूर टू पे द रेवेन्यू दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी एंटाइटल टू मॉर्गेज और सेल द प्रॉपर्टी और ए पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द खुखरा किंग, ठीक, ये समझ में आता है। तो 1787 तक ये चला ऐसे तरह से। सो उसके बाद ब्रिटिशर्स धीरे धीरे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाते थे जिससे कि इस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट कंट्रोल में लाया जा सकता है, ठीक। तो यहां तक स्टोरी समझ में आया कि यहां पर क्या बात हो रही है, कि हमने बात करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एंटर होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि किस तरह से यहां इस जगह का रेवेन्यू पेमेंट होगा, किस तरह से सिस्टम चलेगा। कुछ ऑटोनोमस राइट दिए गए थे क्योंकि ट्रेडिशनल कस्टम के अकॉर्डिंग शासन चलता था। अभी थोड़ा सा बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर ऐसा क्यों कर रही है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने क्या बताया कि जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये तीन पार्ट है, एक द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, दूसरा पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, तीसरा पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने क्या रिफॉर्म्स करा? रेवेन्यू रिफॉर्म्स। सबसे पहला काम क्या करते थे? रेवेन्यू रिफॉर्म्स। और रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए क्या क्रिएट करते थे वो लोग? टैक्स रिजीम। क्या क्रिएट किए? टैक्स रिजीम। तो झारखंड जब उनके कंट्रोल में आया, जब ब्रिटिश एंटर किए, तो वो झारखंड जो है वो साउथ
दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जुरिस्डिक्शन में था। तो यहां पर किस तरह से शासन चलेगा उसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बेटर पिक्चर क्लियर होगा। ठीक, शुरुआत के टाइम में एक पॉइंट और यहां ध्यान रखेंगे कि दैट ये मुंडा किंग तो हमने देख लिया था, खुखड़ा किंग। अभी शुरुआत में व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवेंट होता है तो स्टार्टिंग में जो अराइवल ऑफ ब्रिटिश कैप्टन है ना, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश कैप्टन कैमिक, इनका नाम याद रखेंगे कौन थे, कैप्टन कैमिक थे, और उनका जो है अपोज किया गया था, इट वाज अपोज्ड बाय द नेटिव रूलर्स। जो ब्रिटिश कैप्टन कैमिक थे उनको किन किन राजाओं ने अपोज किया ये याद रखेंगे, ये हाईलाइट किया हुआ है। पहला न खड़गडीहा, दूसरा पलामू, तीसरा छुटनागपुर एंड फोर्थ इज रामगढ़। तो ये चार नेटिव रूलर्स थे, उन्होंने जो ब्रिटिश कैप्टन कैमिक है उनको अपोज किया था कि इस जगह से एंटर करने से, बिकॉज ट्राइबल सोसाइटी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वी विल टेक अप द क्लासेस कि द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग चला। कुछ कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू गवर्न करेंगे वो। ठीक, तो वो सब अलग से डिस्कस करेंगे, है ना, जैसे मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत, वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश कैप्टन कैमिक है इट वॉज अपोज्ड बाय द रूलर्स ऑफ खड़गडीहा, पलामू, छोटनागपुर एंड रामगढ़। यहां तक कोई बात नहीं है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मेनली किस चीज पे बेस्ड था, ना पुलिस स्टेट के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, ये अभी बात हम लोग कर चुके। ठीक, आगे देखते हैं। तो कि अभी तक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन 1799 तक जो टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट वो कहा जाता था थ्रू दैट इज कॉल्ड द कलेक्टर ऑफ चतरा, उसके थ्रू ये रेवेन्यू वेर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर ऑफ चतरा टिल द 1799 तक कलेक्टर ऑफ चतरा सारे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। 1765 से 1789 तक ये अलग अलग तरीके से सिस्टम में यहां पर रिफॉर्म्स करते चले गए कि डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश के हाथ में आए। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर हम ले यू मस्ट नो कि जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि लैंड वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, द लैंड से जो रेवेन्यू आते थे उसी से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, तो लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने पहला काम करा। सो लैंड रिफॉर्म्स के लिए व्हाट वर द सिस्टम इंट्रोड्यूस, आप सभी को पता है कि यू मस्ट नो कि दैट ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ना सबसे पहले सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते थे हम लोग इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम। सबसे पहले कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इजारेदारी सिस्टम। उसके बाद कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज जमींदारी सिस्टम। सेकेंड सिस्टम वॉज जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। उसी तरह से फिर रियोटवारी सिस्टम, ठीक, उसी तरह से और क्या है, महलवारी सिस्टम, मालगुजारी सिस्टम। सो ये सारे अलग अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, क्या क्या ना, हेस्टिंग्स है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहां पर गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने इजारेदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद जमींदारी सिस्टम जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद रियोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, मालगुजारी सिस्टम, ये अलग अलग एरियाज में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इससे हुआ क्या ना, ब्रिटिशर्स ने एक अपना सिस्टम इवॉल्व करा कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से चले। लेकिन इजारेदारी सिस्टम ये सारे एक्सपेरिमेंटल बेसिस में थे, कुछ लूपहोल्स थे जिसको फिर बाद में ठीक करा गया। तो एक बार इसका, क्योंकि जो हमारा झारखंड रीजन है छोटनागपुर वो भी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ही था, आप सभी को पता है परमानेंट सेटलमेंट मतलब दिस इज योर जमींदारी सिस्टम। ये परमानेंट सेटलमेंट में कुछ लूपहोल्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इतने एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बन गया कि आगे चल के जो पीजेंट्स थे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। ह्यूज एक दैट इज कॉल्ड एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ टैक्सेशन पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी कुछ है नहीं जमीन का, कोई मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के नाम पे नहीं हो रहा है, जो हम लोग का जमीन है वो क्या हो गया, इट बिकम्स एन सेलेबल प्रॉपर्टी, इट बिकम्स ए मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी, मैंने बंधक बनाए जाने लगे।
सो ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है दिस लैंड रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश के जो जमीन है जो लैंड है इट बिकम्स ए सेलेबल एंटिटी मॉर्गेजेबल एंटिटी प्राइवेट ऑनरशिप इन सब के चलते ये ट्राइबल लैंड्स में एक कियोस क्रिएट हो गया है ना एक सेपरेशन क्रिएट हो गया तो दैट्स व्हाई द पीजेंट्स हैड डू नॉट एनी ऑप्शंस लेफ्ट इसलिए उन्होंने के पास एक ही चारा था रिवोल्ट उसी तरह के पीजेंट्स रिवोल्ट हुए सभी पता है आपको कि दैट कोल्ड रिबेलियन इसका सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल है तो अभी झारखंड भी इसे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ही आएगा सो पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लो कि जारेदारी सिस्टम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या थे कि सो दैट कि आगे चल के आपका एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा ठीक सो लेट्स टेक ओके सो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम वाज नोन कि इसको हेस्टिंग्स सिस्टम बोला जाता था जिसको कि आगे चल के हम लोग यूज करेंगे इजारेदारी सिस्टम सो द सिस्टम वाज इजारेदारी ये क्या था कि जब आफ्टर दिस द बैटल ऑफ बक्सर लैंड रिफॉर्म्स किए गए सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वारन हेस्टिंग्स जो वारन हेस्टिंग्स ने ये देखा कि दैट इज 1769 और 70 के आसपास देयर वाज ह्यूज करप्शन इन बंगाल बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि बंगाल का ही दीवानी राइट्स मिला था बंगाल बिहार एंड उड़ीसा और आज जब हम लोग बंगाल बोलते हैं उसमें अर्स्टवाइल बंगाल इसमें बंगाल बिहार उड़ीसा ये सब पार्ट था है ना तो यहां पर देखा कि वारन हेस्टिंग्स की ह्यूज करप्शन है माल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके चलते फेमाइंस का कंडीशन है दैट वॉज द मैन मेड फेमाइन वाज देयर सो वारन हेस्टिंग्स ने वहां पर इस रिफॉर्म्स किए कि दैट जस्ट इज टू मेक दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑर्डर थोड़ा सा रेगुलराइज करने के लिए दैट वारन हेस्टिंग्स हैज इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम दैट इज कॉल्ड हेस्टिंग सिस्टम जिसमें कि इजारेदार बनाए गए व्हाट इज दिस दिस इज कॉल्ड फार्मर्स वेयर कॉल्ड इजारेदारी सिस्टम एंड ही इंट्रोड्यूस द इजारेदारी सिस्टम तो इजारेदारी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किसने कराया था कौन से गवर्नर थे उस समय ना कौन से गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स याद रखेंगे सो वारन हेस्टिंग्स ने क्यों इंट्रोड्यूस किया कि वारन हेस्टिंग्स ने देखा कि दैट कि जो पहले जब 65 से 69 तक कुछ लोकल जो वहां पे जमींदार थे लोकल जो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल थे उनको इंडक्ट किया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाह रहे थे सो जब वारन हेस्टिंग्स बने तो उन्होंने देखा कि वहां माल एडमिनिस्ट्रेशन है ह्यूज करप्शन है क्योंकि लोकल पीपल जो थे वो लोकल ट्राइब्स के साथ एफिनिटी शेयर करते थे कुछ लोग ऐसे थे जो मिसयूज ऑफ पावर करते थे दैट्स व्हाई ही नोटिस व्हाट ही ऑब्जर्व कि देयर इज कॉल्ड रेपासिटी एंड करप्शन इन द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी कंपनी के जो भी मेंबर्स है जो भी एम्प्लॉय है ह्यूज करप्शन है सो करप्शन होगा तो फिर क्या होगा टैक्स रेजिम क्रिएट अच्छे से नहीं होगा करप्शन क्रिएट नहीं होगा है ना तो बच्चों एक चीज याद रखेंगे राइट कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़े तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का तरीका होता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज इवॉल्व थ्रू एक इवोल्यूशन का पीरियड है सबसे पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बनाया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी बनाया फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनका एक सिस्टम है तो इंस्टीट्यूशन जिसने भी डेवलप करा वो सस्टेन करा ठीक सो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी इंस्टीट्यूशन डेवलप करेगी क्योंकि नाउ इट इज ए टेरिटोरियल पावर ए पॉलिटिकल पावर ठीक तो यहां पर बात हो रही है कि दैट वारन हेस्टिंग्स ने इसको ठीक करने के लिए क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इजारेदारी सिस्टम इजारेदार आखिर कौन थे ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे आज के टाइम में क्या होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए क्या करते बिडिंग करते हैं ना हम लोग तो बिडिंग करते तो जो हाईएस्ट बिडर होगा उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वहां पर क्या करा गया इजारेदारी सिस्टम में कि ये भी बिडिंग सिस्टम ही था तो कोई भी जैसे डिस्ट्रिक्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग उसको सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स में जो वहां के फार्मर्स थे वही कोट करेंगे कि हमको इजारेदार बनना है तो जो फार्मर या जो भी कॉन्ट्रैक्टर बोला गया वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा जो हाईएस्ट रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा कंपनी को वही उसका बिडर होगा द सेम लाइक एज कॉन्ट्रैक्टर के जैसा है सो इजारेदारी सिस्टम में ना फार्मर्स के पास ही अभी तक क्या थे ना राइट्स थे कि अभी ऑनर ऑफ द लैंड कौन होगा राइट तो इस तरह से अभी करप्शन वगैरह शुरू हो गया था बट इजारेदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इजारेदारी सिस्टम बेसिकली क्या थे कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम थे ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता था हाईएस्ट बीडर कि हु विल प्रोवाइड द हाईएस्ट रेवेन्यू टू द कंपनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सो वही उस समय के इजारेदार होंगे लेकिन ये बैड सिस्टम था रेवेन्यू फार्मिंग इसको बोलते हैं
है ना, रेवेन्यू फार्मिंग का और एग्जाम्पल कहां मिलेगा, ना शिवाजी हैज दिस, इस सिस्टम को उन्होंने अपोज करा था। रेवेन्यू सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि वही फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा, वही इजारेदार धीरे धीरे इलेट हो जाएगा और बुर्जुआ की तरह ट्रीट करेगा, फिर एक क्लास डिफरेंसेस क्रिएट होगा, फिर वाइड स्प्रेड करप्शन, वो तमाम बातें, राइट। तो दैट इज वाई इस सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि दिस सिस्टम रिजल्टेड इन एक्सटॉर्शन एंड ऑपरेशन इन द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, है ना। ये सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, एक्सटॉर्शन, है ना, मन मसल्स पावर्स के थ्रू अब करेक्ट माने एक्सप्लॉइट किए जाने लगे, रेवेन्यू कलेक्ट किए जाने लगे। तो ये रेवेन्यू सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये सिस्टम का क्या था ना, नुफोल्स है। एक पिक्यूलियर पॉइंट इस इजारेदारी सिस्टम में ध्यान रखना है कि ये 5 ईयर सेटलमेंट सिस्टम था। कितने ईयर्स का सेटलमेंट था, दैट के क्वीन क्वीन क्विनियल सेटलमेंट बोला जाता था। तो इजारेदारी सिस्टम क्या है ना, 5 ईयर सेटलमेंट है। अभी हम लोग परमानेंट सेटलमेंट बात करेंगे, जमींदारी सिस्टम वो क्या होगा ना, 10 ईयर सेटलमेंट पे बेस्ड होगा, ठीक। ये सेटलमेंट आखिर क्या है ना, सेटलमेंट में इसको ऐसे समझिए, है ना, देयर इज ए फंडा कि दैट एक तरह से कौन है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे तरह से कौन है इधर, फार्मर्स, और अभी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अभी क्या हो रहा है, हम लोग इजारेदार क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, इजारेदार। तो कंपनी को चाहिए क्या कि एक फिक्स रेवेन्यू आए, और ये रेवेन्यू करने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है कि कभी जमींदार बनाएंगे, कभी इजारेदार बनाएंगे, कभी डायरेक्ट रियोट वाली सिस्टम में रियोट से कलेक्ट करेंगे, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। सो इजारेदार क्या हो गया, अब यहां से कलेक्ट करेंगे और इसको यहां पर प्रोवाइड करेंगे, यही है इजारेदार सिस्टम। So, इसमें प्रॉब्लम क्या होना चला कि ये हर 5 साल के बाद सेटल करेंगे, है ना, ये यहां से कलेक्ट करना है। अभी क्वेश्चन जो है कि कौन जमींदार होगा, क्योंकि मान लीजिए ये कलेक्ट करते जा रहा है धीरे 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 धीरे, ये जमीन का मालिक कौन होगा, पहले तो जो रैयत थे वही मालिक है। सो ग्रेजुअली ये क्वेश्चन शुरू होगा कि हु विल बी द ओनर ऑफ द लैंड, यहीं से फिर क्या होगा, परमानेंट सेटलमेंट का शुरुआत होगा। अभी तक लड़ाई है इजारेदार और किसके बीच में, फार्मर्स के बीच में। तो सेटलमेंट कितने टाइम के बीच में होगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सेटल किससे कर रही है, इजारेदार से कर रही है, क्योंकि इजारेदार इज अकाउंटेबल है कि हमको इतना पैसा देना है क्या नहीं देना है। एक्चुअली में इन्हीं का जमीन था, लेकिन ये एक्सप्लॉयटेटिव मेजर के चलते धीरे धीरे अभी पता चलेगा कि ये हक कहीं इनसे छिन गया, राइट। तो आगे चल के ट्राइबल पीपल जिनका एफिनिटी है अपने लैंड्स के साथ वो रिवोल्ट करेंगे। तो आगे बढ़े हम लोग, तो यहां हम लोग नोटिस करते हैं क्या कि जो इजारेदारे सिस्टम, इट वाज क्वीन क्विनियल सेटलमेंट सिस्टम, मतलब 5 ईयर सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन इस क्वीन क्विनियल सेटलमेंट को क्या ना एनुअल सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, किस साल, 1777 में। ये भी फैक्ट है कि सबसे पहले 5 साल के बाद सेटल करना, फिर देखा कि अभी करप्शन, क्योंकि करप्शन के प्रिटेक्स्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन करप्शन सॉल्व नहीं हुआ, दैट्स वाई इसको फिर एनुअल सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, किस साल ना, 1777 में, राइट। ये याद रखेंगे डेट। तो इसका लिमिटेशंस क्या था बताओ बच्चों, कि ये सबसे पहले एक्सप्लॉयटेटिव मेजर पे फोकस्ड होगा, तो ये इसका लिमिटेशंस होगा। दूसरा पॉइंट बात करेंगे कि जो लार्ज अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर एक्सीडेड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द लैंड, कि दैट कि रेवेन्यू फार्मिंग के चलते वो प्रॉमिस तो किए थे कि हम इतना जैसे कर देंगे कोट, हम इतना पैसा पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, लेकिन व्हाट विल हैपन, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक्सप्लॉयटेटिव, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, लेकिन जो लैंड है द सॉयल, इट हैज ए साइकिल, सो प्रोडक्टिविटी घटते चला गया, जिसके चलते क्या होगा, अल्टीमेटली डिफॉल्ट होगा, सब कुछ होगा, सो एलिनेशन वगैरह शुरू होगा। सो ये एक छोटा सा हम लोग डिस्कस करें इजारेदारी सिस्टम, और इस इजारेदारी सिस्टम में हमने क्या देखा कि ये पहला एक्सपेरिमेंट था, करप्शन से ठीक करने के लिए पहला एक्सपेरिमेंट था, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इजारेदारी सिस्टम। द सेटलमेंट वॉज क्विन क्विनियल 5 ईयर सेटलमेंट, एंड ये 1 ईयर मतलब एनुअल सेटलमेंट में कन्वर्ट होता है इन द ईयर ऑफ 1777। लिमिटेशंस क्या थे, दैट इज एक्सटॉर्शन, सप्रेसिव मेजर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, क्वेश्चन ऑफ द ऑनर, एंड सेकंड पॉइंट द प्रोडक्टिविटी, माने दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लो होते चला गया। ये यहां तक बात होती है, अभी आगे देखेंगे। नाउ लेट्स मूव,
सो अब हम लोग इजारेदारी सिस्टम के बाद परमानेंट सेटलमेंट की ओर मूव करेंगे। कैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर सिस्टम बना रही थी तो सिचुएशन से रियलाइज होगी ही। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि देयर आर द लिमिटेशन ऑफ दिस इजारेदारी सिस्टम, इसके चलते द कंट्री बेसिकली एग्रीकल्चर डिमिनिस्ड हो गया, कंट्री इंपॉवरिस्ड हो गई, ये चल हो रहे थे। सो दैट इज वाई वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही एक दैट इज उनके मेंबर्स थे जिनका नाम क्या था, द फिलिप फ्रांसिस। तो फिलिप फ्रांसिस वाज ए मेंबर ऑफ हेस्टिंग काउंसिल्स, याद रखेंगे ही वाज ए मेंबर ऑफ हेस्टिंग काउंसिल्स एंड ही रिकमेंडेड कि दैट 1776 में कि परमानेंट सेटलमेंट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड। कौन थे मेंबर्स का नाम याद रखेंगे, द फिलिप फ्रांसिस दैट ही रिकमेंडेड फॉर परमानेंट सेटलमेंट। तो ये था रिकमेंडेशन। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद किनको गवर्नर जनरल बना के भेजा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या टास्क था, द लॉर्ड कॉर्नवालिस हैज अ टास्क टू इंट्रोड्यूस दिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट का बैकग्राउंड समझ में आया कि इट वॉज देयर इज अ लिमिटेशन विद द इजारेदारी सिस्टम एंड लिमिटेशन के बाद दैट इट वॉज द फिलिप फ्रांसिस हुज रिकमेंडेड दैट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस एंड फॉर दिस पर्पस द लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज सेंट। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस एक तीन मेंबर कमेटी बनाते हैं एंड इन द थ्री मेंबर्स कमेटी हु वर द मेंबर्स, द लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकेंड वॉज दैट इट वॉज द फ्रांसिस ग्रैंड एंड थर्ड वॉज इट वॉज द सर जॉन सोर। तो नाम याद रखेंगे जस्ट कि आखिर अब ये क्या किया जाएगा। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैज अ टास्क टू इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन दिस हियर इन द बंगाल। तो उन्होंने एक कमिटी बनाया, उसके कौन कौन मेंबर थे, एक तो कॉर्नवालिस, सेकेंड सर जॉन सोर एंड थर्ड कौन थे, ग्रांट, ये याद रखेंगे ओके। एंड चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एरिस्टोक्रैट, ही वॉज ए नोबल, वो जमींदार थे ही यूरोप के, सो दैट इज वाई उन्होंने रिकमेंड किया कि दैट सेटलमेंट शुड बी डन विद जमींदार्स। तो सिचुएशन समझ में आया यहां तक, क्या बताया कि देयर इज ईस्ट इंडिया कंपनी, देयर इज समथिंग कॉल्ड, नाउ वी विल कॉल द जमींदार्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फार्मर्स। सो इनिशियली इजारेदारी सिस्टम था, तो इजारेदारी सिस्टम में सेटलमेंट क्विनक्विनियल बेसिस पे, फाइव ईयर बेसिस पे हो रहा था। अभी क्वेश्चन ये उठा कि हुड बी द ऑनर और किसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटल करेगी। सो दैट इज वाई अभी कॉर्नवालिस के टाइम में क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जमींदारी सिस्टम, इट वॉज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। एंड इन दिस परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस रिकमेंडेड कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ सेटल करेगी, जमींदार्स के साथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जमींदार्स क्या होंगे, ना जमींदार्स वुड बी द ऑनर्स ऑफ द लैंड, ठीक, कौन होंगे जमीन का ऑनर, इट वॉज द जमींदार्स। एंड ये जो पीजेंट्स हैं ये क्या बन गए, अब टिनेंट बन गए, दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ ऑनरशिप, राइट। तो यहां से एक फंडा समझ में आया कि जो परमानेंट सेटलमेंट का मेन प्रॉब्लम क्या था कि दैट जमींदार्स बिकम द ऑनर्स ऑफ द लैंड। तो जब जमींदार्स ऑनर्स ऑफ द लैंड हो गए, सो दैट इज वाई लैंड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर्स। एंड ऑनर्स के पास किस तरह के राइट थे, ना प्रोप्राइटरी राइट्स थे, कि मतलब उसका बेटा ही उस जमीन का मालिक होगा। तो मालिकाना हक किसके पास चला गया, दैट इज कॉल्ड जमींदार्स के पास, जमींदार्स बिकम द ऑनर्स ऑफ द लैंड। सेकेंड पॉइंट, तो शुरू में जो ऑनर्स है वो कौन बनाए गए, जमींदार्स, लेकिन कैसे जमींदार्स, जो लोकल जमींदार्स थे वो उसके ऑनर्स बनाए गए, लेकिन जो लोकल जमींदार्स लोकल कस्टम ट्रेडिशन से बाउंड थे, दे ऑल्सो फॉलो, जो वहां के लोकल ट्राइबल्स पीपल्स थे उनके साथ एफिनिटी शेयर करते थे, सो दैट इज वाई वो हार्ड हैंडेडली कलेक्ट नहीं कर पाते थे रेवेन्यू। सो धीरे धीरे ये सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माल एडमिनिस्ट्रेशन था, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन था। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्लॉज है जमींदारी सिस्टम में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सनसेट क्लॉज, देयर इज समथिंग कॉल्ड सनसेट क्लॉज। व्हाट इज द सनसेट क्लॉज, तो सनसेट क्लॉज क्या था कि दैट लेट्स से टुडे इज 12th ऑफ दिसंबर, आपको डेट दिया गया है कि दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोकारो का एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, यू आर लेट्स से जमींदार और आपको रेवेन्यू पे करना है 5 बजे शाम तक, 5 PM तक। यदि आप किसी तरीके से 5:01 में पे कर रहे हैं, देन द सनसेट क्लॉज के अकॉर्डिंग आपका जमींदारी खत्म हो जाएगा, आपके जमींदारी किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
So this is called sunset clause, कि by the sunset of that particular day, if the जमींदार failed to pay the revenue, then the जमींदारी would be seized and the जमींदारी would be transferred to another जमींदार्स. इससे क्या demerit है इसका, कि that land क्या हो गया ना, property बन गया. Land become a alienable property, land become a sellable property. इससे उससे transfer हो रहा है. मॉर्गेजेबल एंटिटी हो गया, जमीन कैसा हो गया, बंधक वाली चीज हो गई. जमीन कैसी हो गई, सेलिएबल एंटिटी हो गई, सेल परचेज शुरू हो रहा है. ठीक है, लैंड एलिनेशन शुरू हो गया, इसका जमीन उससे जगह ट्रांसफर होना शुरू हो गया. तो इस तरह से इस ट्राइबल सोसाइटी में, जहां पर एक ऑटोनॉमस वे में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, द पीपल हैड एफिनिटी, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे अभी कि जो ट्राइबल सोसाइटी में जो शुरू के ट्राइबल्स थे, उन्होंने जंगल काट के अपने लिए जगह बनाया. जैसे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुंडारी खुटकट्टीदारी. ठीक है, मुंडारी खुटकट्टीदारी. खुट माने घर, घर. जब जैसे क्या बोलते हैं उसको, कि हम लोग एक खुट के हैं, मतलब एक ही वंश के हैं, एक ही जगह से ओरिजिन हुआ है. तो द इनिशियली कुछ जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने रहने के लिए विलेज सेटल करे जंगल साफ करने के लिए, इसलिए उनको खुटकट्टीदार बोला. ठीक है, उसी तरह से भुइहरी लैंड्स हैं, है ना. सो दे हैव द एफिनिटी, उन्होंने डेवलप करा, वो उनका जमीन है. धीरे धीरे वो अचानक से वो जमीन किसके पास चला गया, जमींदार के पास. तो नेचुरली रिवोल्ट का एटमोस्फेयर क्रिएट होगा, इसलिए पीजन रिवोल्ट्स हुए. तो मोस्टली जो पीजन रिवोल्ट्स हुए हैं, वो जमींदारी सिस्टम माने परमानेंट सेटलमेंट वाले एरिया में ही क्यों हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाता है. तो ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम करा, रियोटवारी सिस्टम करा. तो रियोट का मतलब होता है किसान, तो किसान ही यहां पर एंटाइटल है किसके लिए, रेवेन्यू पे करने के लिए. इसलिए रियोटवारी सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट से ज्यादा ऑनरशिप राइट्स है. हालांकि यहां टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना है, लेकिन कौन पे करेगा ना, जो पीजेंट है वही पे करेगा, अपना ही जमीन है. अभी ऑनरशिप राइट नहीं छीना गया, मालिकाना हक नहीं छीन लिया, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में मालिकाना हक किसके पास चला गया, जमींदार, इंटरमीडिएटरी क्लास. अभी क्या करेंगे, जमींदार ना टैक्स कलेक्ट करेंगे, और टैक्स कलेक्ट कितना करना है, 1/10 to 1/11. कितना रेशियो था, 1/10 to 1/11, ये जमींदार के पास रहेगा, और जितना रेस्ट अमाउंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा. सो दिस वाज द जमींदारी सिस्टम. तो इसके लिए ये 1/10 को ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए द जमींदार ज्यादा से ज्यादा और पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करने लगे. जैसे मान लेते हैं आपका 100 रुपीज है रेवेन्यू, 1/10 का मतलब 10 रुपया जमींदार के पास चला गया, और 90 रुपया किसके पास चला जाएगा, दी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. लेकिन क्या करेंगे जमींदार, इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे, उसी जमीन से यदि 1000 कलेक्ट करेंगे तो उनका वे शेयर ज्यादा हो जाएगा. सो इन दिस वे दे रिसोर्टेड टू मोर एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स, एंड मोर एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स के चलते क्या प्रॉब्लम शुरू होते चला गया ना, पीजन रिवोल्ट्स होते चले गए. और पीजन रिवोल्ट्स के बाद यहां पर फिर अनदर टाइप का रिवेलियन हमको देखने को मिलेगा, जब 1831 में कोल्ड रिवेलियन हुआ. ठीक, तो परमानेंट सेटलमेंट का मेन लिमिटेशन समझ में आया, कि परमानेंट सेटलमेंट हमारे इस झारखंड में भी इंट्रोड्यूस किया गया. सो उसी के बैकड्रॉप में क्या हुआ ना, देर इज अनदर रिफॉर्म्स. सो परमानेंट सेटलमेंट के बाद लैंड बिकम सेलिएबल एंटिटी, लैंड बिकम मॉर्गेजेबल एंटिटी, लैंड बिकम द डिफरेंट पॉइंट. तो इसके लिए ट्राइबल रिवोल्ट होते चले गए, कियोस क्रिएट हुआ इस रीजन में, और ब्रिटिशर्स ने इसको नोटिस करा कि जब तक नहीं हम इन इश्यूज को एड्रेस करेंगे, तब तक इस झारखंड रीजन में पीस पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज वाई पहले बोला गया, लेकिन बिना लेजिस्लेटिव बैकअप का कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है, राइट. तो बाद में भुइहरी सर्वे शुरू हुआ, भुइहरी सर्वे के बाद सीएनटी एक्ट का प्रोटोटाइप माने भुइहरी सर्वे 1862 में चला था. 1862 में भुइहरी सर्वे के बाद कुछ रिकॉर्ड्स बनाए गए, उसके बाद कुछ बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885 आया. देन सिमिलरली 1902 में फिर से रिफॉर्म्स किए गए ना, विलेज वार सर्वे कराया गया, जिसके बाद खेवट एंड खतियान बनाया गया, एंड प्रोटोटाइप बनाएगा किसका ना, छोटनागपुर टीनेंसी एक्ट का. और छोटनागपुर टीनेंसी एक्ट का प्रोटोटाइप कब फाइनली हुआ, इट वाज 11 नवंबर 1908 को फाइनली सीएनटी एक्ट इनैक्ट हुआ. और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, जॉन एच हॉफमैन. और इस सीएनटी एक्ट में कितने चैप्टर हैं, देर आर
द 19 चैप्टर्स एंड टोटल सेक्शन इज 271 सेक्शंस। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड इन द फर्स्ट क्लास आज हम लोगों ने क्या देखा, तो टुडे वी हैव सीन द बैकग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीएनटी एक्ट, व्हाई दिस लेजिस्लेशन बीन ब्रॉट इन, उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट थे, क्या क्या मेन बैकग्राउंड था ना, कुछ लिमिटेशंस थे जारी सिस्टम का, उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट आया, परमानेंट सेटलमेंट के बाद यहाँ पर पीजन रिवोल्ट्स वगैरह होंगे, एलिनेशन, सेलिएबिलिटी, मॉर्गेजेबल एंटिटी, इसके चलते जब कियोस क्रिएट हुआ सो ब्रिटिश टुक इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से यहाँ पर ठीक करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कुछ शुरू करा, बट 1862 में कुछ काम हुआ, फिर फाइनली जो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हुआ वो 11 नवंबर 1908 को छोटे नागपुर टीनेंसी एक्ट, जिसको शॉर्ट में सीएनटी एक्ट बोलते हैं, वो लेजिस्लेट हुआ। जॉन एच हॉफमैन आर्किटेक्ट थे, इसमें टोटल 19 चैप्टर्स 271 सेक्शंस है, और गवर्नर जनरल का जो एसेंट है वो सेक्शन 5 ऑफ दिस दैट इज कॉल्ड द चार्टर एक्ट ऑफ 1892 उसको मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी डिफरेंट चैप्टर्स है सेक्शंस है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल टेक अप द चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज द क्लासेस, सो तब तक हम हमारे वीडियो के साथ बने रहें, कल फिर मिलते हैं अलग नए सेक्शंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे अहेड।